नहीं होता है। अच्छा, आपका क्या मानना है कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, मतलब क्या परसेंट है, कितने गुने लोग ले सकते हैं, कितने गुने? सर का एक और वाक्य था जो हम तीन दोस्त जो थे, तीनों दोस्त के लिए कॉमन है, एक ही साथ बोले थे। सर ये बोले कि ऐसा कट ऑफ निर्धारित होने जा रहा है जो कहीं ना कहीं हमसे उलझे लगो कि आपने कहा था मिलवा देंगे, तो सीट पे अगर बैठे हैं तुरंत अभी मिलवा देंगे, और अगर नहीं है तो मिलवा देंगे। जैसे कि अभी क्या था, जब हम लोग गए थे, अभी आपने देखा होगा वीडियो में, तो एक आ गया था एक घंटे बाद आइए, तो अभी हम लोग एक घंटे तब तक हम लोग दूसरे ऑफिस में गए थे, जैसे कि शिक्षा संबंधित था SCERT में, वहाँ पे भी वैसे वो लोग मिले नहीं, तो फिर से हम वापस ऑफिस जा रहे हैं आपके UP SSC के, वहाँ पे देखते जाके क्या फिर वो मिलते हैं, क्या बहाना बनाते हैं, जो भी होगा हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो मिल जाए। हमारे द्वारा अभी देखते चल के कि क्या होता है वहाँ पे, मतलब एक घंटा हो चुका है, मिलते हैं और वो क्या जवाब देते हैं आपको, वही सारी जानकारी उठाते हैं। जैसे भी दोबारा आए हम लोग यहाँ पे, जो भी अपडेट होती है एक लोग और के बाद गए थे, तो वहाँ पे जो बताया वो हम आपको ये बताएंगे बाद में, लेकिन अभी हम ये जमा कर देते हैं, बताया गया जहाँ पे जमा करने के लिए बताएगा वहाँ पर जमा करने आए, कागज जमा कर लेते हैं पहले, फिर बता के क्या बात है। ठीक है, प्राप्ति प्रेषण द्वारा था, तो कॉपी लाने भी लोग गए हैं, तो फिर वहाँ पे जमा हो जाएगा विज्ञापन और कॉपी मुझे मिल जाएगी, मैं फिर शेयर कर दूंगा टेलीग्राम में। जैसा कि आज हम लोग यहाँ पे आए थे, तो पता होगा आपको कि यहाँ पे पहले कहा गया कि अभी है नहीं सचिव जी, तो एक घंटे बाद आइएगा, तो एक घंटे बाद जैसे ही हम आए तो यहाँ पे हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा, और उन्होंने जो जो बातें बताई, क्या परसेंटाइल रहेगी या कब तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, सारी चीज़ें हम लोगों को बताई गई हैं। जैसे कि प्रफुल्ल जी भी यहाँ पे हमें मिल गए, ये भी काफ़ी लगे हुए हैं इस वक्त उससे संबंधित, जो आपका लेखपाल से भर्ती संबंधित है, तो जो उन्होंने कहा, देखिए पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए उन्होंने वो दिया, और देखो मोहर वगैरह लगा के उन्होंने रिसीविंग दी है ज्ञापन की आपकी, तो आपको दिख रही होगी। तो उन्होंने ये कहा कि देखो परसेंटाइल की जो बात आती है ये हम अभी यहाँ पे बता नहीं सकते हैं, क्योंकि सामने चीज़ें क्लियर नहीं कर सकते अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता, क्योंकि एक नियम होता है नोटिफिकेशन से पहले कोई भी चीज़ बोर्ड से पहले नहीं आ सकती। अब वो बात अलग, अंदर से कोई ऐसा कुछ लग जाए सोर्स तो पता लग जाए, लेकिन कोई ऑफिशियली तरीके से नहीं बता सकता है। और दूसरा जो उन्होंने कहा नोटिफिकेशन की बात थी कब तक आ जाएगा, तो उन्होंने कहा या तो आज शाम को आ जाएगा, यानी कि आज 5 मई है, या कल तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे कि हम लोग सोच रहे थे कि 8 तारीख के बाद नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन वो 8 तारीख वाली बात खत्म हो चुकी है, ये 6 तारीख तक नोटिफिकेशन आने की संभावना है उनके अकॉर्डिंग। अब फिर ये भी है कि यूपी का आप जानते हो क्या कितना ढीला रवैया रहता है, ये कहो फिर 10 तारीख भी हो जाएगा और भी टाइम लेट हो जाए, लेकिन लग तो रहा है कि शायद नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जो परसेंटाइल की बात है या गुने की बात है, तो 15 गुने मेरा जो अनुमान है, जो मेरा सोचना है मानना है, 15 गुने से तो ज़्यादा लोग बुलाए जाएंगे, ये मेरा मानना है, और 99% ये बात सही निकलेगी। अब देखते हैं लेकिन क्या होता है, और कोशिश करेंगे हम लोग, कोशिश आई आपको क्या वैसे बताया गया भर्ती बोर्ड की तरफ से कुछ? वो तो सर से जैसे मेरी बात हुई, उन्होंने कुछ घंटों की हवाला दी कि 12 बजे जब मैं आया था यहाँ पे, एक 10 बजे खड़े हैं यहाँ पे, 4 बज गया, सारे जो कर्मचारी अब घर जा रहे हैं, अब हम लोग एकदम पूरी तरह से थक गए, लेकिन सर कहीं ना कहीं
दो घंटे को बोल के कि दो घंटे में अपडेट किया जाएगा चीज़ों को, और वेट करते करते 4 से 5 घंटे हो गए हैं, लेकिन अब रात का इंतज़ार कर रहे हैं कि रात में कई लोग बोलते हैं साइट अपडेट होता है, तो ठीक है देखते हैं साइट अपडेट हो रहा है कि नहीं, अगर नहीं होता है तो अच्छा आपका क्या मानना है कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, मतलब क्या परसेंट है, कितने गुने लोग ले सकते हैं, कितने गुने? सर का एक और वाक्य था जो हम तीन दोस्त जो थे, तीनों दोस्त के लिए कॉमन है, एक ही साथ बोले थे। सर ये बोले कि ऐसा कट ऑफ निर्धारित होने जा रहा है जो कहीं ना कहीं सबके लिए कॉमन होगा और मतलब ज़्यादा उनको सेटिस्फेक्शन होगा। अच्छा अच्छा, इसका मतलब क्या है कि जो हमने कहा ना पंद्रह गुना, पंद्रह गुने के हिसाब से तो मतलब समझो ऐसे, मतलब एक तो बात और बताएं, पंद्रह गुना का मतलब क्या हुआ, 1,20,000 के आसपास, उसमें क्या है जो टॉप क्रीमी लेयर थी वही लोग आ जाएंगे, उसमें SSC का रिजल्ट आया है, UPSI का आया, कई जगह वो तो जा ही चुके हैं पहले ही से, तो इनका खुद नुकसान होगा इससे, तो कायदे में उनको कम से कम 25-30 गुना तक बुलाना चाहिए, हम तो ये कहते हैं, और ज़्यादा जितना हो सके, हाँ ये होना चाहिए। देखते हैं फिर क्या होता है, अपडेट जो भी होगी आपको दी जाएगी, लेकिन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए जरूर, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।